नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आपका इन्वेस्टोग्राफ एकेडमी में। और जैसा कि मैं डेली आपके साथ अपना एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ निफ्टी और बैंक निफ्टी को लेके, आज भी हम उसकी शुरुआत करेंगे। उससे पहले जान लेते हैं कि कल जो मैंने BTST ट्रेड बनाया था 21,550 की पुट में बनाया था, क्योंकि हमारी जो एक्सपेक्टेशन थी वो ये थी कि मार्केट आज गैप डाउन खुलेगा, लेकिन मार्केट ने हमारी एक्सपेक्टेशन के अगेंस्ट ओपनिंग दी है। और उसके लिए भी हमने ऑलरेडी प्लान क्रिएट कर रखा था, जो मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर किया था कल के एनालिसिस वीडियो में, कि अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो हम फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का वेट करेंगे, और उसके बाद जहां भी प्राइस क्रॉसओवर देता है उस डायरेक्शन में हम अपने ट्रेड प्लान करने वाले हैं। और हमने आज के दिन ठीक किया भी वैसा ही, और बहुत अच्छे खासे प्रॉफिट पे हमने आज के दिन को क्लोज किया। मैं अपना प्रॉफिट और लॉस एग्जैक्टली आपको इसलिए नहीं दिखाता हूँ क्योंकि कुछ लोग फिर कमेंट करने लगते हैं कि ये एडिटेड हो सकता है या फिर कुछ मैनिपुलेशन हो सकती है, इसलिए मैं आपको अपने BTST ट्रेड वेल इन एडवांस पहले ही बता देता हूँ कि मैंने इतने रुपए पे ये ट्रेड बाय किया है, अब उसमें प्रॉफिट हो रहा है या लॉस, ये आप इजीली ट्रैक कर सकते हैं आने वाले दिन की बाजार की मूवमेंट को देखते हुए। आइए चलते हैं चार्ट पे। निफ्टी का चार्ट देखें तो निफ्टी ने ओपन होते के साथ ही एक गैप अप ओपनिंग दी और डाउन क्लोजर मारा। यही मौका था कि हमने कल का जो BTST ट्रेड था, जो पुट मैंने बाय की थी वो 70 रुपीस पे बाय की थी और 75 रुपीस में सेल करके मैं उस पुट से आउट हो गया। मींस सिर्फ 5 पॉइंट्स का प्रॉफिट आज हमने अपने BTST ट्रेड पे बुक किया, लेकिन मार्केट की डायरेक्शन जो थी हमारे अगेंस्ट कितनी बड़ी जा सकती थी उसको हमने समझा और टाइम पे अपना ट्रेड कट किया। जिन लोगों ने मेरी कल की वीडियो देखी होगी, कल की वीडियो में मैंने आपको क्लियर कट बताया था कि अगर मार्केट गैप डाउन होता है या फ्लैट ओपन होता है तो मैं पुट साइड में अपनी पोजीशन को होल्ड करूंगा, और अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो मैं वेट करूंगा फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल बन जाए और उसके बाद जिस साइड भी क्रॉसओवर आता है उस डायरेक्शन में ट्रेड लेने का। जैसा कि आप देख सकते हैं मार्केट यहाँ पे लगभग ओपन हुआ था 21,823 के अराउंड, और फर्स्ट कैंडल रेड में बनी जो कि एक ट्रैप का सिग्नल था, क्योंकि जहां हमारी एक्सपेक्टेशन थी मार्केट ने वहां ओपनिंग ना देके एक गैप अप ओपनिंग दी है, और गैप अप ओपनिंग के बाद जितने भी लोगों ने अपनी पोजीशन बनाई होगी तो वो उन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की होगी, उनकी प्रॉफिट बुकिंग और SL हिट करने के लिए ये मार्केट थोड़ा सा फर्दर नीचे आई है। लेकिन सेकेंड कैंडल ऑनवर्ड्स फिर मार्केट ने अपने लो को नहीं तोड़ा, और जैसे ही फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का ब्रेकआउट हुआ हमने अपनी पोजीशन बनाई, फिर उस पोजीशन को लगभग हाफ डे मैंने होल्ड किया था, और यहाँ जब ये 11:30 पे ये कैंडल बनी है इसके बाद मैं उस पोजीशन से आउट हो गया। देखिए हमारा एनालिसिस ये होता है कि अगर फर्स्ट हाफ में हमें अच्छा खासा प्रॉफिट हो रहा है तो हमें ये वेट नहीं करना है कि सेकेंड हाफ तक भी वेट करें। वेटिंग में ऐसा बिल्कुल पॉसिबल है कि आपका प्रॉफिट और ज्यादा बढ़ जाए, लेकिन ज्यादातर चांसेस इसी चीज के होते हैं कि आपका प्रॉफिट रिवर्स होके जीरो भी हो सकता है या फिर नेगेटिव में भी जा सकता है। इसलिए मैं हमेशा सजेस्ट करता हूं कि आपका जब भी एक अच्छा खासा प्रॉफिट हो गया है फर्स्ट हाफ में, आप वो प्रॉफिट बुक कीजिए और मार्केट से एग्जिट कर जाइए। कल जैसा कि मैंने जो लेवल लगाए थे अभी तक वही सेम लेवल लगे हुए हैं। आप देखो मार्केट ने बहुत अच्छे तरीके से हमारे लेवल्स जो थे उनको रिस्पेक्ट दिया है। देखो फर्स्ट जो हमारा लेवल था उसे क्रॉसओवर दिया मार्केट ने, हम यहाँ पे एग्जिट कर गए। मार्क करके भी बताया था, कल का चार्ट रेफर कर लेना, जिन लोगों ने कल की वीडियो नहीं देखी आप जाकर जरूर देखना, आपको क्लियरिटी मिल जाएगी कि कैसे कितने सटीक तरीके से मैं आपके साथ अपने एनालिसिस शेयर कर रहा हूँ। ये कल की ही लाइंस हैं जो भी सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैंने मार्क किए हैं, आप देख सकते हैं फर्स्ट रेजिस्टेंस पे भी मार्केट ने अच्छा रिएक्शन दिया और फिर उसको क्रॉसओवर देने के बाद मार्केट दोबारा से सेकंड रेजिस्टेंस तक गया है। अगर किसी ने कल की मेरी वीडियो फॉलो की होगी उन्होंने अच्छे खासे प्रॉफिट पे आज का दिन क्लोज किया होगा। अब मैं आपके लिए आज के लिए लेवल्स मार्क कर देता हूँ, इन लेवल्स को डिलीट कर देते हैं, ठीक है। सारे लेवल्स मैंने अभी आपके लिए डिलीट कर दिए। हम लगा लेते हैं 15 मिनट्स की कैंडल, और कल की जो मेरी एक्सपेक्टेशन बताऊं, जिस हिसाब से बायर्स ने अपनी एक स्ट्रेंथ शो की है आज के दिन मार्केट में, कल मुझे पूरी 70-80% ये पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट गैप अप ओपन हो सकता है। इसी पॉसिबल गैप अप ओपनिंग को कैप्चर करने के लिए आज का मेरा जो BTST ट्रेड है मैंने 22,100 की जो कॉल है वो 45 रुपीस पे बाय की है। यूट्यूब पर फर्स्ट ऐसा कोई इन्फ्लुएंसर है जो आपको वेल इन एडवांस अपने सभी ट्रेड्स शेयर कर रहा है, और आप उन ट्रेड्स को ट्रैक करके इजीली ये चेक कर सकते हैं कि
अपने वो ऑर्डर्स प्रॉफिट पे क्लोज कर रहा हूँ या फिर लॉस पे। मुझे इसमें कोई भी क्लैरिटी देने की जरूरत नहीं है, ना ही फर्दर किसी को रीथिंक करने की जरूरत। जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, मैंने कल के लिए भी आपके लिए कुछ लेवल्स मार्क कर दिए। अगर निफ्टी हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग एक गैप अप ओपनिंग दे देता है तो हमारा जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है वो रहने वाला है 21,995, और सेकेंड जो इमीडिएट टारगेट रहने वाला है वो रहेगा 22,100 का। पूरी पॉसिबिलिटी है कि अगर निफ्टी इन दो लेवल्स को अच्छे खासे वॉल्यूम से ब्रेक करता है तो निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई को भी ब्रेक कर सकता है और बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट हमें हमारी आज की BTST ट्रेड में देगा। वहीं बात कर लेते हैं, अगर मार्केट हमारी एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग नहीं खुलती है, जिसकी गुंजाइश 20-30% है, मैंने ये तीन लेवल्स आपके लिए जो सपोर्ट लेवल है वो मार्क किए। अगर निफ्टी की जो ओपनिंग होती है वो 21,940 से लेके 21,875 के बीच में कहीं होती है तो मैं पुट साइड में अपनी पोजीशन क्रिएट करने की कोशिश करूंगा। वहीं अगर 21,875 से भी नीचे एक गैप डाउन ओपनिंग आती है बड़ी तो मैं वही स्ट्रेटजी अपनाऊंगा जो आज हमने अपनाई थी। फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल हम बनने देंगे और उसके बाद 5 मिनट्स का चार्ट फ्रेम लगाकर वेट करेंगे कि किसी डायरेक्शन में अच्छे वॉल्यूम से ब्रेकआउट आए, और जब ब्रेकआउट हमें 5 मिनट्स की कैंडल पे क्लोजिंग मिल जाए उस ब्रेकआउट विद वॉल्यूम, हम उसी डायरेक्शन में अपने ट्रेड प्लान करने वाले हैं, ठीक है। अगर गैप अप होता है तो उसके लिए प्लान ऑलरेडी हमारे पास है, अगर गैप डाउन हो जाता है तो उसके लिए भी प्लान मैंने आपके शेयर कर दिया है। अब बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी भी लगभग सेम मूव देता हुआ नजर आया है आज के दिन, और अब बायर्स का जो होल्ड है निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों पे ही काफी स्ट्रांग होता हुआ नजर आ रहा है, और पूरी पॉसिबिलिटी है कि अपने ऑल टाइम हाई को भी आने वाले कुछ दिनों में ये ब्रेक करेगा, जिसके लिए हम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। मार्केट के फर्स्ट हाफ में बैंक निफ्टी में सेलर्स का प्रेशर काफी ज्यादा था, लेकिन बायर्स ने अपनी पकड़ को लूज नहीं किया और रिकवरी दिखाते हुए अब उस प्राइस को बहुत ही अच्छे तरीके से होल्ड किया। और जिस तरीके से ये प्राइस की जो मूवमेंट आपके चार्ट पे है ना, ये क्लियर दिखाती है कि कल के दिन बहुत 70-80% चांसेस हैं कि बैंक निफ्टी भी निफ्टी की तरह गैप अप ओपनिंग दे या फिर अपसाइड का ट्रेंड दिखाती हुई नजर आए, ठीक है। लेवल्स ये कल के मैंने मार्क किए थे, बैंक निफ्टी उन दो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल के बीच में ही ट्रेड होता नजर आया, कोई भी लेवल्स बैंक निफ्टी ने ब्रेक नहीं किया। मैं बैंक निफ्टी के लिए फर्दर कल के दिन जो मेरे लेवल्स होने वाले हैं वो आपके लिए ड्रॉ कर देता हूं। जैसा कि आप देख सकते हैं, चार लेवल्स मैंने, दो सपोर्ट और दो रेजिस्टेंस आपके लिए ड्रॉ किए हैं। बैंक निफ्टी पूरी उम्मीद है अगर गैप अप ओपनिंग होती है तो हम कॉल साइड में अपनी डायरेक्शन प्लान करेंगे। वहीं अगर बैंक निफ्टी 45,525 से नीचे के लेवल पे खुलता है तो हम फर्स्ट 15 मिनट्स की कैंडल का वेट करेंगे, बनने देंगे, और जिस भी डायरेक्शन में हमें वॉल्यूम की वेटेज के साथ क्रॉसओवर मिलता है उसी डायरेक्शन में हम ट्रेड करेंगे। अगर आपको नहीं पता है कि वॉल्यूम के क्रॉसओवर को कैसे देखते हैं, ये मैं अपनी पिछली वीडियोस में ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूं, अपने लाइव ट्रेडिंग चैलेंजेस में भी मैं आपके साथ वो बातें शेयर कर चुका हूं, वो अपनी स्ट्रेटजी ऑलरेडी आपको लाइव मार्केट में एक एक ऑर्डर लाइव मार्केट में लाइव स्क्रीन पर प्लेस करके दिखा चुका हूँ। पहले एक महीने का चैलेंज था, फिर 10 दिन का चैलेंज था, फिर हमने मोरर ट्रेडिंग भी की थी, फिर उसके बाद भी बीच बीच में हम चैलेंज लेके आए, उनमें लाइव ट्रेडिंग की एक एक ऑर्डर, जैसे कि अदर इन्फ्लुएंसर करते हैं ना, आपको ट्रेडिंग चैलेंज के नाम पे वो डे एंड में अपना प्रॉफिट बता देते हैं, वैसा मैं नहीं करता। मैंने ट्रेडिंग चैलेंज जब जब किए, लाइव किए, अपना एक एक ऑर्डर लाइव स्क्रीन पर प्लेस किया ताकि आप सभी उसे समझ सकें, देख सकें, और उसमें कोई भी क्वेश्चनिंग की गुंजाइश ना बचे, ठीक है दोस्तों। अब कल के दिन क्या होने वाला है, कैसे हम ट्रेड करेंगे, वो भी डिटेल मैं आपके साथ डेली अपडेट करता रहूंगा। कल के लिए लेवल्स जो मैंने मार्क किए हैं वो आप नोट कर सकते हैं, आपके लिए हेल्प होगी। लेकिन मेरी जितनी भी वीडियोस होती हैं उन्हें आप लर्निंग पर्पस से यूज कीजिए। जैसे जैसे आपकी लर्निंग बढ़ती जाएगी ना, ट्रेडिंग में आपके सक्सेसफुल होने के जो चांसेस हैं वो इंक्रीज होते जाएंगे। लेकिन अगर आप हमेशा किसी पे डिपेंड होके ट्रेडिंग करने की सोचेंगे या ट्रेड में प्रॉफिट बनाने की सोचेंगे तो इस बात की पूरी पॉसिबिलिटी है कि आप हमेशा लॉस में ही रहेंगे। मैं कभी नहीं चाहता कि आप मेरे पे या किसी अदर इन्फ्लुएंसर पे डिपेंड होकर अपनी ट्रेडिंग जर्नी प्लान करें। हमेशा आप खुद अपने आप की लर्निंग और एक्सपीरियंस को इतना स्ट्रांग करें ताकि आप जो भी ट्रेड लें अपने कॉन्फिडेंस से लें। हाँ, दूसरों से थोड़ा सा
रेफरेंस लिया जा सकता है अपने डे को प्लान करने के लिए या अपने एनालिसिस करने के लिए, लेकिन किसी पे डिपेंड होके ट्रेडिंग करना सही नहीं है। इस चीज की सलाह मैं कभी नहीं देता, और मेरी जो वीडियोस होती हैं वो भी हमेशा लर्निंग पर्पस से लिए होती हैं, ताकि मैं आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नी आपके साथ ट्रांसपेरेंटली शेयर कर सकूं और आप उस जर्नी से फायदा उठाकर सीख सकें, अपना खुद का एक्सपीरियंस बिल्ड कर सकें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में कल के दिन, जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।